जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से लगाए जाने वाले संपूर्ण तहसील समाधान दिवस का आयोजन शनिवार को वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के कुश्ती हॉल में किया गया। तहसील दिवस के अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी एवं डीआईजी जे रविंद्र गौड़ ने लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उसके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। तहसील दिवस में तहसीलदार लाल जी विश्वकर्मा, न्यायिक तहसीलदार सुनीता गुप्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंडलायुक्त ने तहसील दिवस में आए फरियादियों की फरियाद को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों के अंदर उसके निस्तारण के निर्देश दिए और कहा कि समस्याओं के निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके अलावा मंडलायुक्त ने भूमि विवाद के मामलों के निस्तारण के लिए राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में हर शनिवार को हम लोग तहसील दिवस किया जा रहा है, तो उसमें आज लैंड डिस्प्यूट ज़्यादा आ रही है। हमारे लिए अच्छी है कि डीआईजी साहब भी मेरे साथ है। हम थाना और तहसील की कर्मचारियों को दोनों को एक टीम बना करके मौके पर तत्काल में भेज करके उनका सोल्यूशन निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जो सिविल कोर्ट में वादा है उसको कोर्ट में परस्यू करने के लिए हम लोगों ने वादिकारियों को बता दिया गया है। तो हमारा मकसद ये है कि जितने से त्वरित तरीके से न्याय दिलाने के लिए और जनता को राहत देने के लिए प्रयास किया जाए। सर, देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मामला जो न्यायालय में लंबी कार्रवाई आ रही है उसके लिए क्या? हाँ, उसमें परस्यू करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैटर्स में जो आपस के दोनों पक्षों के बीच की डिस्प्यूट रहता है ऐसे मामलों में, क्योंकि सिविल कोर्ट का मामला है और शहर का मामला सब सिविल कोर्ट में जाता है, तो हम लोगों ने दोनों पक्षों को यही अनुरोध किया जाता है कि शांति व्यवस्था बनाते रखते हुए कि आप सिविल कोर्ट में मैटर को निस्तारण करने में प्रयास किया।